सर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार सीएचओ की जो वैकेंसी आई थी 2100 की, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम डिटेल्स, प्रिपरेशन टिप्स, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है बिहार सीएचओ के अंदर। इस सभी मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम डिटेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हेल्थ स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। पोस्ट नेम CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, टोटल पोस्ट 2100 वैकेंसी, 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स है, और जिनके पास ये इंटीग्रेटेड CCHN है उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, जिसके लिए आपको फॉर्म में ऑप्शन दिया गया था CCHN इन सिलेबस लास्ट ईयर सेमेस्टर। तो जिनके पास था उन्होंने यस करना था, जिनके पास नहीं था उनको नो करना था। क्वालिफिकेशन GNM, BSc नर्सिंग, वर्किंग एस्पिरेंट्स, और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें 16 जुलाई से 29 जुलाई 2021 तक था। इसका एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो गया, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, 13 अगस्त 2021 एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है अगस्त मंथ के 3rd या 4th वीक में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अगस्त लास्ट वीक में या सितंबर फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट जॉब पोस्ट कैटेगरी और सिलेक्शन का प्रोसेस रिटर्न एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे। तो रिटर्न एग्ज़ाम 13th अगस्त 2021 को है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगस्त के लास्ट में या सितंबर इनिशियल में होने के चांसेज हैं। जॉब लोकेशन बिहार का होगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट http://statehealthsocietybihar.org है। तो अब हम आते हैं एग्ज़ाम टिप्स के बारे में, NHM बिहार CHO एग्ज़ाम पैटर्न टिप, प्रिपरेशन टिप्स। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसमें है सबसे पहले टिप्स में हम देखते हैं कि गेट द लेटेस्ट SHSB सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे फ्रॉम द एबव सेक्शन। एंड इसका सबसे पहला स्टेप है कि आप सिलेबस देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, उसके बाद सेकेंड इसका जो स्टेप है वो है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। तो जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो आप कोई बुक ले सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ ट्रस्टेड हो आपका, और उसके बाद आप अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करना है। एनालाइज करके डीमोटिवेट नहीं होना है, उन गलतियों से सीखनी है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर वो गलतियाँ रिपीट ना करो। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब मॉक टेस्ट दे लिया, सिलेबस पढ़ लिया है, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना है, उसमें अपने आप को एनालाइज करना है कि आप कहाँ हैं और जो पोर्शन आपका वीक है उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेक नोट्स फॉर द लास्ट टाइम रिविजन, शॉर्ट नोट्स बनाइए रनिंग एंड में। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम फेयर फॉर्म में लिखना है, ऐसे भी टुकड़ों पे पन्नों पे लिख लो कि हाँ आपको लास्ट टाइम पे खुद समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है, डॉक्टरों वाली राइटिंग करनी है। और अटेंड सैंपल टेस्ट ऑनलाइन सीरीज फॉर प्रैक्टिस। तो जो सैंपल टेस्ट वेबसाइट पे जारी होगा या फिर अदर किसी प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं, जिससे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं उसके बारे में प्रैक्टिस हो सके। तो ये हो गया प्रिपरेशन टिप्स के बारे में, और पैनिक नहीं होना है, आराम से काम डाउन रहना है और सिलेबस को रिवाइज करिए। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा होगा, 100 MCQs क्वेश्चन आएंगे इसमें। लास्ट टाइम एक्सेप्शन था, 120 क्वेश्चन आए थे जनवरी सेशन के लिए, लेकिन जनरली 100 क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स इच क्वेश्चन, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है। और इसके में अब हम सिलेबस की बात करते हैं। उससे पहले चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग। अब सिलेबस देख लेते हैं बिहार CHO में क्या है। तो इसका जो मेजर पोर्शन है वो चाइल्ड हेल्थ, एडोलिसेंस हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग,
कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो बेसिकली इसमें पूरा नर्सिंग का सिलेबस आता है और JNM या BSc फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक के क्वेश्चंस जो उसके अंदर सिलेबस में है उनमें से आ सकता है। लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो चाइल्ड हेल्थ, पीडियाट्रिक, एडोलिसेंस हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, ऑब्स गाइनी और फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके साथ ही लगभग 10% क्वेश्चंस, 8-10% क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से होते हैं, लाइक मिनिस्टर्स के नेम, प्लेस, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब से रिलेटेड हो सकता है। तो 10% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चंस आपके सिलेबस से होगा नर्सिंग से रिलेटेड। अब हम इसके सिलेबस को डिटेल में देखते हैं। चाइल्ड हेल्थ के अंदर जो सिलेबस है उसमें हेमोफीलिया, हियरिंग लॉस, लैक्टेशन सपोर्ट, HIV, कार्डियोजेनिक शॉक, ल्यूकेमिया, कैंसर, हाइपरटेंशन, एंग्लेमैन सिंड्रोम, विजन लॉस, हिपेटोलॉजी, लर्निंग डिसऑर्डर, हाइपोवोलेमिक शॉक, हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल्स, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, एब्यूज इन प्रेगनेंसी, सेलुलर और मोलिकुलर थेरेपी, अटेंशन डिफेक्ट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एनेमिया, कार्डियोमायोपैथी, ऑटिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इसके बाद मैटरनल हेल्थ में जो सिलेबस है वो बेसिक इनफर्टिलिटी सर्विसेज, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रॉडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ब्रेस्ट एंड पेल्विक एग्जामिनेशन, प्रेगनेंसी टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, प्रिवेंशन एजुकेशन काउंसलिंग टेस्टिंग एंड रेफरल, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी अचीविंग सर्विसेज इंक्लूडिंग प्री कॉन्सेप्शन हेल्थ सर्विसेज। अब हमारा नेक्स्ट है एडोलिसेंस हेल्थ का सिलेबस। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हमें कवर करना है, मैटरनल एंड न्यू बॉर्न हेल्थ इंटीग्रेशन, ग्लोबल मैटरनल हेल्थ वर्कफोर्स, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, प्रीनेटल मैटरनल केयर, क्वालिटी ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, प्रीटर्म बर्थ, फैमिली प्लानिंग एंड मैटरनल हेल्थ, मलेरिया इन प्रेगनेंसी, मैटरनल हेल्थ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मैटरनल हेल्थ HIV एंड एड्स। अब हमारा है जो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सिलेबस, उसको देखते हैं। तो इसमें पहले है नॉन कम्युनिकेबल, तो यहाँ डायबिटीज़, मेलाइटिस टाइप 2, लोअर बैक पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, स्किन कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज़, अल्जाइमर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ CVD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD, माल न्यूट्रिशन। और उसके बाद जो आपके ये मेजर पोर्शन है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल के, और कम्युनिकेबल डिजीज जो करेंटली टर्म्स में रहते हैं उनमें से क्वेश्चंस आएगा। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बताया, इसके एग्ज़ाम डिटेल के बारे में प्रिपरेशन टिप्स बताया, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी दी। ऐसे ही अपडेट्स भरी, इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको समय पे मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करिए, जिससे हेल्प बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके, बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।